आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो ग्रिल सैंडविच। उसके लिए हमें चाहिए 4 स्लाइस ब्रेड। हमने बड़ी ब्रेड ली है, आप छोटी भी ले सकते हैं। ब्रेड के हमने सारे एजेस काट लिए हैं और ये आलू 3 लिए हैं उबले हुए, हमने उनको मैश कर लिया हुआ है। और ये 1 प्याज लिया है, उसको बारीक काटा है। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कुछ पत्तियाँ हरा धनिया, नमक 1 छोटा चम्मच, आमचूर अगर आपने डालना है तो आप डाल सकते हैं खटाई के लिए, नहीं तो आधा टीस्पून। और लाल मिर्ची ये भी आधा टीस्पून, क्योंकि हम हरी मिर्च पहले ही डाल चुके हैं। ये ऑरिगेनो है, ये आधा टीस्पून है। और ये मक्खन ऊपर ब्रेड के लगाने के लिए। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। आलू डालेंगे पहले, प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची, धनिया, नमक स्वाद अनुसार या 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर आधा टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर आधा टीस्पून, ऑरिगेनो आधा टीस्पून। अब इन सबको मिक्स करेंगे। नमक चेक करेंगे, नमक बराबर है। अब हम इसके सैंडविच बनाएंगे। इसे एक ब्रेड लेंगे, उस पर ऐसे स्प्रेड करेंगे अच्छे से आलू। दूसरा पीस उसके ऊपर रखेंगे ऐसे, उस पर भी ऐसे आलू सब गुण फैलाएंगे। थोड़े आलू बच भी जाएंगे तो ये आपके और किसी काम आ जाएंगे, इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब इनको हमें ऐसे काटना है। अब थोड़ा बटर लगाएंगे ताकि ये क्रिस्प बन जाए। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। अब हम इनको ग्रिल करेंगे। तो ये हमारे ग्रिल्ड पोटैटो सैंडविचेस तैयार हो गए। इसको आप चटनी के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, खाना खाने को मन नहीं करता, आप रोज़ अलग अलग तरह के सैंडविचेस बनाइए और खाइए। आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।